सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज 10 पीसी में स्टार्ट मेन्यू में मोस्ट यूज्ड ऐप को कैसे शो करते हैं, कैसे ऐड करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मुझे सिंपल है, तो सबसे पहले आपको विंडोज सेटिंग में जाना है। उसके लिए आपको विंडोज की और आई प्रेस करना है। उसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपको जाना है स्टार्ट में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो मोस्ट यूज्ड एप्स। यहाँ पे अगर आप डिसेबल रहा तो आप इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में मोस्ट यूज्ड ऐप शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से विंडोज 10 पीसी में स्टार्ट मेन्यू में मोस्ट यूज्ड ऐप को शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक जिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।